हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप गाइस आपको सभी को मालूम है कि डेली सुबह 6 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो सभी। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है जो कि नहीं आए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आवाज़ आपको परफेक्टली आ रही होगी। बहुत कुछ है जो कि हमेशा की तरह सीखने वाले हैं, बहुत कुछ है जो कि हमेशा की तरह जानने वाले हैं। आज के सेशन के अंदर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, PIB, PRS, हमेशा की तरह ये सारे सोर्सेज हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। और ठीक है, आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको शेयर जरूर किया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी जो है वो पता नहीं चला है कि क्लासेस कहां पे हो रही है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तो यहाँ पे आज जो अपनी डेट है वो है 13th of July, यानी कि जो 13th of July है, इसके सारे इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि हम लोग कवर करेंगे। और एक और गुड न्यूज़ है जो कि आप लोग लेके आए हो, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे से संबंधित है। जो भी अपने रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि सर UPSC के लिए आप NCERT पढ़ाया ना, तो UPSC के लिए NCERT अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। आशीष थोड़ा बहुत टाइम दो, 15-20 दिन दो, फिर एक UPSC चैनल लॉन्च करेंगे। वहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स भी मिलेंगे, और साथ में आपको वहाँ पर NCERT की क्लासेस, एडिटोरियल, ये सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज है दोस्तों 13th of July, और हमेशा की तरह हम लोग जो है वो सारे के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे। अगर आप इंडिया में इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये सेशन जो है वो रेगुलर देखना चाहिए, और ये सेशन आपके बहुत काम आएगा। आपको एज इट इज क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि मैंने कल आपको दिए थे, उसके बाद में बात करेंगे कोट ऑफ द डे, उसके बाद में सारे के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, उसके बाद में वोकैबुलरी, कल से फन फैक्ट भी देख लेंगे, और जाने से पहले कुछ सवाल है जो कि मैं आपको देके जाने वाला हूं। तो कल मैंने आपसे पूछा था क्लाउड बर्स्ट के बारे में, है ना। मेजरली जो बादल फटता है वो माउंटेन रीजन के अंदर फटता है, और ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंगली हम उनको निम्बस, है ना, और उनको अलग अलग नाम है, क्यूमुलो निम्बस, ये सब देते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट सवाल था अपना, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसको रिप्लेस किया गया है किससे, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी से, NELP। आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये नई पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस करी गई, ये नाम है जो कि चेंज किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेकर, ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेकर, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है जो कि यहां पे सही है, कि जो भी परिवार की सबसे एल्डर महिला होती है उसी को यहां पे क्या माना जाता है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड है जो कि माना जाता है, और उसी के नाम पर राशन कार्ड है जो कि इश्यू किया जाता है। ठीक है गाइज, तो यहां पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है आपका सवाल था कल का थंडर स्ट्रॉम को लेकर, है ना। तो कैसे अभी थंडर स्ट्रॉम जो है वो स्काई में प्रोड्यूस होने का कारण है जो कि यहां पे पूछा गया है। तो यहां पे देखो ऐसा, ये जितने भी कारण दे रखे थे ना, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो डी आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार आप रीडिंग कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार प्रपोज करे गए 1972 के अंदर, है ना, इसको क्लब ऑफ रोम भी कहा गया, ये पहला स्टेटमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट 2030 था, ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत है मतलब, और ये 2030 आपका बिल्कुल सही है। SDG तो टोटल मिला के 17 है, उसके अंदर 2030 तक को हमने अचीव करने के लिए बोला है। इसके अलावा गाइज, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आ गया है एक रेलवे ग्रुप डी बूस्टर कोर्स, ये आपको 15th of July से जो है आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है, और आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले जो भी आपका 1 महीना बचा है वैसे तो एग्जाम में, ओके, उसके अंदर आपको जबरदस्त प्रिपरेशन जो कि रेलवे ग्रुप डी बूस्टर में करवाई जाएगी, जहां पे मैं, शिप्रा मैम, और साथ में दीपक सर, और साथ में सज्जन सर आपको जो है वो कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल करवाने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक भी रेलवे की प्रिपरेशन नहीं करी, तो ये बहुत अच्छा चांस है जिससे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम की। आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स, साथ में फुल लेंथ टेस्ट, 100 फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सभी आपको 1999 के अंदर है जो कि मिल रहे हैं। हालांकि इस पे 50% डिस्काउंट है, तो इनिशियल 7 डेज और 5 डेज के लिए जो है वो 999 के अंदर आपको ये मिल रहा है। तो ये आप ये पे करके अपने GK, साथ में करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, और साथ में आपके साइंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स होगा, इसके अंदर कंप्लीट क्रैश कोर्स के तहत सारे सब्जेक्ट आपको पूरे करवाए जाएंगे। 1 महीने के अंदर जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो सारे आपको कवर करवाने वाले हैं। तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं जो कि है आपके कोट ऑफ द डे। देखो, हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब, डोंट असाइन एनीवन एल्स दैट मच पावर ओवर योर लाइफ। देखो, एक बहुत अच्छी बात बोली गई है। अक्सर क्या होता है कि आपकी हैप्पीनेस है ना, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रखते हो। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, ये मेजरली मोटिव ही नहीं है। मतलब लोगों का मोटिव क्या है कि सामने वाले ने मुझे क्या बोल दिया, सामने वाला मेरे साथ में क्या कर रहा है ना, उसने उसके बारे में ऐसे क्यों बोला है, वो तो मेरे को ऐसे ट्रीट ही नहीं कर रहा है। ये जो पिटी इश्यूज है ना, जिसकी वजह से आप अपनी हैप्पीनेस किसी और के हाथों में दे देते हो, ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि हर एक की इंडिविजुअल लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। अरे, आपका जिंदगी है, आपको कैसे जीना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, यही चीजें हैं जो कि आपको आगे लेके जाएगी और आपको खुशी देगी। समझ गए? किसी और के हाथ में अपनी हैप्पीनेस मत दो कि वो आपको क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। उसको सोचने दो, उसको करने दो जो जिंदगी में करना चाह रहा है। आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो और लोगों को अवॉइड करना सीखो, है ना। अगर आप वो एक्स बोलेगा, अगर आप वाई बोलोगे, फिर वो जेड, तो ऐसे चलता रहेगा। तो आप कभी भी जो है इस चीज़ का सलूशन आपको नहीं मिल पाएगा। आपको फोकस करना चाहिए आपके काम के ऊपर कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में ध्यान रखेंगे। हैप्पीनेस जो है वो आप कैसे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है, रैदर की दुनिया कैसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल भी कवर होगा क्या? हाँ आशीष कुमार, यूपीएससी के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी कवर कर देंगे। जो क्लास 24 का यूपीएससी चैनल लॉन्च होगा, अभी कुछ दिनों में लॉन्च होगा। चलिए आगे बात करते हैं आज के दैनिक के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग फोटो है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये कोई माउंटेन नहीं है, है ना, ये आपके यूनिवर्स की पिक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है वो भी अभी द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सपोर्ट करने वाले हैं। मुर्मू जी जो है वो एनडीए की प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है। यशवंत सिन्हा जो है वो यूपीए के हैं, तो यूपीए के इनके सपोर्टर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो एनडीए के साथ में नहीं थे, अभी वो भी जो है वो द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर था, एक बंदा है ट्रांसजेंडर अपने यहाँ पे, एडम हैरी, है ना। इन्होंने क्या किया था कि पायलट का लाइफ, मतलब पायलट बनने के लिए जो है अपना कोर्स किया था, लेकिन डीसीजे ने ये बोला कि हम आपको जो है वो लाइसेंस अवेलेबल नहीं करवाएंगे। मतलब ये बड़ी अजीब बात है यार, कि ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो यहाँ पे सरकार ने भी जो है ना, ठीक है, उन्होंने भी जो है यहाँ पे बोला है कि भाई आपको इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी डीसीजे को लेटर लिखा है और बोला है, ठीक है, कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है और किसी भी कैंडिडेट को कौन सा जेंडर है और उसके साथ में इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको लाइसेंस आपको देना चाहिए। समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पे पनीर सेल्वम के बारे में बोला गया। कल हमने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में बात करी थी, तो वही चीज़ें जो कि यहाँ पे बोला गया है। ठीक है गाइस, चलिए तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये यहाँ पे बात करी गई इन्फ्लेशन के बारे में, है ना। 7% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन जो है, यानी कि महंगाई दर है जो कि यहाँ पे चल रही है अभी इंडिया के अंदर, उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पे दोस्तों जो बात करी गई है वो गॉड बाय के बारे में बात करी गई है। यूएस ने दोस्तों रिजेक्ट कर दिया श्रीलंका के प्रेसिडेंट का दोस्तों वीजा। एक्चुअली के अंदर गॉड बाय जो है ना, देखो आपको थोड़ा सा पास में लेके चलता हूं। गॉड बाय जो है यूएस के, जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, इनके पास में पहले दो सिटीजनशिप हुआ करती थी। एक तो थी श्रीलंका की और एक थी यूएसए की। तो अभी कुछ साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, एक दो साल पहले, अब इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने यूएस के सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया, क्योंकि श्रीलंका के लॉ के हिसाब से आपको यहाँ सिंगल सिटीजनशिप जो है वो आपके पास श्रीलंका की होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने गिव अप कर दी। अब वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, टसल हो गई। कल परसों आपने देखा होगा कि जो अपने प्रोटेस्टर्स थे वो जो है प्रेसिडेंट के बेडरूम में सो रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं वहाँ पे, और इनको जो है वो छोड़ के भागना पड़ा। अब ये जब अपना प्रेसिडेंट हाउस छोड़ के भागे, ओके, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये देश भी छोड़ के भागेंगे। देश छोड़ के भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन यूएस ने जो है वो क्या कर दिया, इनकी वीजा की रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो और भी ऑप्शन तलाश रहे हैं कि कौन से देश में वो जा सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी है कि वेस्ट एशिया चले जाए, यूरोप के किसी कंट्री के अंदर असाइलम ले ले, लेकिन ये 90% पॉसिबिलिटी है कि ये देश छोड़ के जो है वो भागने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, मतलब संभलने की तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए ठीक है गाइज, क्लास 24 एप्लीकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग पिक है जो कि आपको देखने को मिलेगी। माउंटेन जैसा लग रहा है लेकिन माउंटेन है नहीं एक्चुअली में। ये क्या है, देखो अभी रिसेंटली जो हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप 16 लाख किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, है ना। बहुत, मतलब
बहुत ही अमेजिंग टेलीस्कोप है जो कि बनाया है। ये आपके अरबों साल पुरानी जो गैलेक्सीज बनी हुई है ना, उनको भी कैप्चर कर लेता है। रिसेंटली क्या हुआ, एक स्टार की एक लाइफ होती है, आपको मालूम है ना, तो उसकी लाइफ का अंत हुआ था, तो जो अंत हुआ है ना उसकी लाइफ का, स्टार की लाइफ का, और जो बिगनिंग हुई है नई लाइफ की, उसकी फोटो है जो कि यहाँ पे कैप्चर करी गई है। ये फोटो है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यंग स्टार फॉर्मिंग रीजन NGC 2234, ये कैरिन नेबुला जो है यहाँ पे बताया गया है, और इसको नियर इंफ्रारेड जो कैमरा है अपना नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसके द्वारा ये इमेज है जो कि कैप्चर करी गई और व्हाइट हाउस के अंदर जो कि सबसे पहले इसको दिखाया गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो एंड हुआ है लाइफ का, एंड ऑफ स्टार, और साथ में एक नई बिगनिंग है जो कि हुई है, कॉस्मिक क्लिफ है जो कि इसको कहते हैं एक्चुअली के अंदर, समझ गए मेरी बात। और बहुत ही दूर है, मतलब लाखों, ये देखो इस तरीके की इमेजेस जो है वो कैप्चर करी गई। ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको ये स्टार होगा क्या, ये सारे स्टार नहीं है, सारी गैलेक्सीज है, मतलब बहुत ही पावरफुल है ये कैमरा कि ये सारी हमारे यहाँ पे एक, आपको मालूम है हमारी एक है ना मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसके अंदर एक हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब सोलर सिस्टम एक हमारे इस गैलेक्सी के अंदर, और उसके अंदर हमारी एक छोटी सी छोटा सा प्लैनेट है। जैसे हमारी एक मिल्की वे है ना, एक गैलेक्सी, वैसे ये सारी गैलेक्सीज है, मतलब ये सोचिए इतनी सारी गैलेक्सीज, अब सोचिए इनके अंदर कितने सारे प्लैनेट्स होंगे, और माइट बी पॉसिबल कि किसी ना किसी इतनी सारी गैलेक्सीज के किसी ना किसी सोलर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई अर्थ वहाँ पर भी होगी जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, क्योंकि हम तो ये पता ही नहीं कर सकते ना, यूनिवर्स का सिर्फ 5% है जो कि हम लोग स्टडी कर पाए, 95% तो हमें मालूम ही नहीं है। तो हमारी एक अगर गैलेक्सी है, सोचिए अगर इस वाली गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होगा और वहाँ पर भी कोई अर्थ होगी, तो हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई, तो ये फोटो जो है वो ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेबुला जो है, ये गैस का गुबार है, ये है ना, उसकी रिंग्स है जो कि यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, आउटर रिंग्स है जो कि यहाँ पे बताई गई। नासा के टेलीस्कोप ने एक डीप इन द यूनिवर्स है जो कि इमेज शोकेस करी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप तो बहुत ही अमेजिंग है यार, इसको बनाने में 20 साल लग गए थे, मतलब इतनी ज्यादा हार्ड कोर वर्क है जो कि इसके ऊपर किया गया है, मतलब इसको बनाने में जो खर्चा आया था ना, वो भी पता है कितना आया था, $9 बिलियन का, बहुत ज्यादा अमाउंट था, है ना, $9 बिलियन का, मतलब ये कैमरा था 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया, टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया कहाँ से, Arin 5 से, फ्रेंच गुयाना जो है, Arin 5 जो लॉन्च व्हीकल है फ्रेंच गुयाना के अंदर, वहां से इसको लॉन्च है जो कि किया गया था, समझ गए। अगर मैं कंपेयर करूं इससे पहले कौन सा था, इससे पहले जो टेलीस्कोप था जो मोस्ट पावरफुल माना जाता है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप था, तो अगर मैं हबल स्पेस और जेम्स वेब को मैं कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका जेम्स वेब है इसकी देखिए 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर है ये। आपका जो पहले हबल स्पेस था वो मात्र और मात्र 600 किलोमीटर दूर था, तो आप देख सकते हो ना कि यूनिवर्स को कवर करने में उसको काफ़ी दूर है वो, तो उसको कवर करना आसान है, लेकिन हबल स्पेस तो काफ़ी पास में था, 600 किलोमीटर था, तो उससे इतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स की इमेजेस नहीं मिल पाते थी। 18 सेगमेंट थे इसके हबल स्पेस के, एक थे सर्विस कंडीशन की, तो इसको कोई सर्विस करने की जरूरत नहीं है, जेम्स वेब को हबल स्पेस को सर्विस टाइम टू टाइम करने की जरूरत पड़ा करती थी, है ना। इसके अलावा जो आपका जेम्स वेब है ये आपके जो भी ऐसी वेवलेंथ वाले नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड लाइट वाली वेवलेंथ वाले जो इमेजेस है उसको कैप्चर करता था, है ना, लेकिन जो आपका हबल स्पेस था वो आपके अल्ट्रावायलेट विजिबल जो नियर बाय जो इंफ्रारेड लाइट वाले वेवलेंथ वाले जो इमेजेस थे उसको कैप्चर किया करता था। इसका मिरर देखोगे तो 6.5 मीटर का है, हबल स्पेस का 2.5 मीटर के आसपास था, और ये 13 बिलियन ईयर पुरानी अगर कोई गैलेक्सीज है ना उसको भी देख सकता था, उसकी इमेजेस ले सकता था, है ना, उसके कैसे वापस से रीबर्थ हो रहा है गैलेक्सी का, वो ये इमेजेस कैप्चर कर सकता है। जो आपका हबल स्पेस था वो 12 बिलियन ईयर पुरानी जो है गैलेक्सीज को भी देख सकता है, और नई गैलेक्सीज के बारे में एक्सप्लोरेशन है जो कि करता था। तो ये यहाँ पे मिशन के ऑब्जेक्टिव है जो कि बताए गए हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नासा के द्वारा मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि बनाया गया, इससे पहले हबल टेलीस्कोप है जो कि हुआ करता था, ठीक है गाइज। ध्यान रखिएगा, पेपर में इसके बारे में पूछेंगे आपसे कि पहले कौन सा था अभी कौन सा है, है ना। जो इसको हबल स्पेस को लॉन्च किया गया था वो 1990 में किया गया था, समझ गए मेरी बात। 1.4 मिलियन ऑब्जर्वेशन है जो कि टोटल मिला के अभी तक इसने करी है, और बहुत सारी जानकारी पहले वाले टेलीस्कोप ने भी दी है, जैसे कि कॉमेट जो है वो कैसे कोलाइड होते हैं, है ना, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स की फोटोज के बारे में,
ऐसी कई सारी जानकारी जो है हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, आपका ब्लैक होल के बारे में, ये सारी जानकारी जो है पहले वाले ने भी दी है। लेकिन अगर हमें ओरिजिन के बारे में जानना है और अगर यूनिवर्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हबल स्पेस की लिमिट थी, लेकिन जेम्स वेब जो है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर है ना। और कोलैबोरेशन किया गया था नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर है जो कि इसको लॉन्च किया। और जेम्स वेब जो है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर रिवील करेगा, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज है जो कि ये करेगा, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर, कहाँ पर हमारी प्लेस है क्या ना, और कहीं पर लाइफ है कि नहीं है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आने वाले टाइम पे अवेलेबल करवाएगा। एक्जो प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स है उनके बारे में जानकारी देगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना से जो है इसको लॉन्च किया गया था, और एरिन 5 रॉकेट है जो कि इसमें काम में लिया गया, और फर्स्ट गैलेक्सी जो बनी थी बिग बैन के बाद में। बिग बैन मालूम है ना, बिग बैन पहली बार जब यूनिवर्स के अंदर जब कोलिजन हुआ और सारी गैलेक्सीज बनी, तो पहली कौन सी बनी उसके बारे में ये सर्च करेगा, कैसे गैलेक्सीज बनती है, कैसे स्टार का फॉर्मेशन होता है ना, और केमिकल और फिजिकल चेंजेस जो है वो किसी भी प्लैनेट्स के अंदर कैसे होते हैं, ये सारे के सारे मोटिव है जो कि इस वाले टेलीस्कोप के बताए गए हैं। ठीक है गाइस, डिस्टेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया दिया जेम्स वेब की नियर बाय 16,00,000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है जो कि देखने को मिलता है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और भी कई सारे ऐसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि बनाए गए, जैसे कि कुछ टाइम पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप भी बनाया था है ना, ये भी जेम्स वेब जैसे ही था, लेकिन इसका जो मिरर साइज छोटा था, इसकी वेवलेंथ छोटी थी, इसका डिस्टेंस थोड़ा कम था, तो कुल मिला के आप उसका एक छोटा वर्जन है जो कि जेम्स वेब का हर्शल को मान सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देना तभी, ताकि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सभी बच्चे मतलब जो है ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है पेज नंबर 7, यहां पे बात करी गई है H1B वीजा को लेकर। देखो क्या है कि हमारे लिए ना, इंडिया के हमारे IT प्रोफेशनल बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, आपने देखा होगा ना कि दुनिया की जो भी कंपनी होगी उसके अंदर इंडियंस आपको IT प्रोफेशनल जो अपने है ना टेक के जो बंदे हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या है कि जब बराक ओबामा है ना जब प्रेसिडेंट बने थे, तब हमारे इंडियंस जो है वो US के अंदर काफी लोगों को जॉब्स मिलने लगी थी, हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। हमारे कोई भी अगर कंपनी को अगर इंडियन प्रोफेशनल रखना है तो उसको H1B वीजा है जो कि देना पड़ेगा। कौन सा वीजा? H1B वीजा, समझिए मेरी बात, ये वीजा है जो कि देने की जरूरत पड़ती है। अब लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आ गए ट्रंप भाई साहब। ट्रंप ने क्या किया, पूरा गेम बदल दिया उसने। इंडियंस का तो हो गया H1B वीजा का डाउनफॉल, और चाइनीज जो लोग थे उनका वीजा है जो कि उसने बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत नुकसान हुआ, हमारे बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाई। फिर वापस से क्या हुआ, अब आगे वापस से बाइडेन, तो बाइडेन के टाइम पे दोस्तों वापस से जो है वीजा H1B वीजा जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग गया है। ठीक है गाइस, तो ये पूरी जानकारी है जो कि इसके अंदर दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रंप एरा के टाइम पे जो है ना हमारे लिए बहुत ही हार्ड टाइम है जो कि चल रहा था, जो बराक ओबामा के टाइम पे 95% अप्रूवल मिल जाया करता था, एक्सेप्टेंस रेट था, वो गिर के 72% के ऊपर है जो कि चला गया। अभी वापस से जो है ये बाइडेन के टाइम पे 98% के आसपास है जो कि चला गया, समझ गए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि है ना कितने नॉमिनल वेजेस के अंदर जो है वो हमारे इंडियंस जो है वो काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये 90% वेजेस ऑफ ऑल US वर्कर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा वेजेस मिलते हैं वो US के वर्कर्स को मिलते हैं, उसके बाद में H1B वीजा वालों को मीडियम लेवल के ऊपर वेजेस है जो कि मिलते हैं, है ना। ये यहाँ पे बताया गया कितना एक्सपोनेंशियल राइज है जो कि सैलरी और बाकी चीजों में बताया गया। यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखिए 97% एक्सेप्टेंस हो चुका है, ये हुआ है बाइडेन के टाइम पे, ये था ट्रंप के टाइम पे। ट्रंप के टाइम पे काफी डाउनफॉल देखने को मिला इंडिया की जॉब्स के अंदर, ये देखिए काफी नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, और उससे पहले जो है वो ये वाला कार्यकाल जो था वो किसका, ओबामा वाला था। कौन सी कंपनी में कितने भारतीय अमेरिका में काम करते हैं, तो अगर आप अमेजोन में देखोगे तो अभी 2018 में देखोगे अगर आप, तो 5% भारतीय थे।
अभी अगर आप देखोगे तो 10% भारतीय अमेजॉन के अंदर काम कर रहे हैं अमेरिका में, वैसे ही टीसीएस में 7% है, फेसबुक में 6% है जो कि पहले 2% थे, गूगल में 3% है जो कि अभी 5% है, सीटीएस 4 और बाकी मेजरली सारे के सारे आईटी कंपनीज में आपको 4% के आसपास काम करते हुए मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, 2021 के अंदर अगर आप अप्रूवल रेट की बात करोगे ना तो 75% जो भी अप्रूव हुए हैं वर्कर के, जैसे कि मान लो 100 लोगों के अगर अप्रूव हुए तो उसमें से 75 जो है वो इंडियन है, 16 चाइनीज है और 9 है जो कि बाकी कंट्रीज के हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे लिए जो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि यहाँ पे 100 में से 75 जो H1B वीजा है वो इंडियंस के एक्सेप्ट है जो कि किए जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये यहाँ पे पूरा डाटा है जो कि बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 12। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंडिया ब्राजील और की जो नेवीज है वो आपस में कोलैबोरेशन है जो कि करके कुछ नया फॉर्मेशन है जो कि करने की बात करी, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिया और ब्राजील की नेवी है वो दोनों ही आज के टाइम पे फ्रांस की जो स्कॉर्पियन सबमरीन है ना वो रेंट पे लेके चला रहे हैं, उन्होंने उनसे ही मदद लेकर खुद डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हमने भी तो करी है ना, 6 स्कॉर्पियन सब क्लास की सबमरीन है जो कि हमने प्रोड्यूस करी, 4 तो एड ऑन हो चुकी है, 5वीं अभी ट्रायल के ऊपर चल रही है, तो हमने बाद में खुद ने डोमेस्टिकली बनाना चालू कर दिया, लेकिन वो फ्रांस की मदद से किया है। तो फ्रांस की जो स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है ना ये इंडिया और ब्राजील दोनों ही सेम ऑपरेट करते हैं। अब दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि ब्राजील और इंडिया आपस में मिलकर क्या कर सके, काम कर सके इसके अंदर। समझ गए मेरी बात? और फ्रांस की जो स्कॉर्पियन सब क्लास सबमरीन है उसको और आगे लेके जा सके, डेवलप कर सके। तो इंडिया और ब्राजील दोनों के जो नेवी के डेलीगेशन है उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी, ज्वाइंटली जो है वो कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करने की बात करी, जैसे कि हमने मेक इन इंडिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमने हमारे जो माजागॉ डॉक लिमिटेड है वहां पे हमने कलवारी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है जो कि हमने खुद ने बनाना प्रोड्यूस किया। तो 6 में से जो 4 सबमरीन है वो तो ऑलरेडी जो हमने फ्रांस से कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो हम लोग लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। 5th सबमरीन जो है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज के ऊपर है और लास्ट वाली भी जो है नेक्स्ट ईयर तक जो है वो लॉन्च हो जाएगी। समझ गए? ब्राजील भी क्या कर रहा है आज के टाइम पे, खुद की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN है जो कि नाम दिया गया है। ये फ्रांस से मदद ले रहा है, समझ रहे हो? उससे पहले हमारे पास में भी थी, जब हमने ली थी ना पहले तो हमने रशिया से लीज के ऊपर ली थी, इन्होंने फ्रांस से ली है। ठीक है गाइस, चलिए। ब्राजील ने कुछ टाइम पहले अभी न्यूक्लियर को अच्छे तरीके से काम में लेने के लिए है ना, पॉजिटिव में काम में लेने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ में भी जो है वो काफी नेगोशिएशन है जो कि किया है न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो सबमरीन के प्रोग्राम में ऐड करने को लेकर। सबमरीन क्या होती है आपको मालूम है, ऊपर की भी चलती है, पानी के नीचे भी जो है वो काफी टाइम तक रह सकती है, उसके ऊपर ही आप न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हो है ना, बैलिस्टिक मिसाइल जो है फोड़ सकते हो, बहुत सारे काम है जो कि कर सकते हो सबमरीन की मदद से। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि चाइना को लेकर। चाइना की एक बहुत ही अजीब सी बात है, मतलब आपको जान के बड़ी अजीब लगेगा कि चाइना के बीजिंग में एक जो है वो केस आया कोविड का और उसने शटडाउन कर दी पूरी सिटी। मतलब पता नहीं क्या है ये, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड अंडर लॉकडाउन इन चाइना सिटी ऑन ट्यूजडे आफ्टर जस्ट 1 केस वर डिटेक्टेड। मतलब बीजिंग के अंदर नहीं, क्या है दूसरी सिटी है, मतलब उसके पास में ही वहां पर क्या है, मतलब वहां पे क्या 3-4 लाख की पॉपुलेशन है, एक केस आ गया कोविड का तो 3-4 लाख लोगों को वापस से लॉकडाउन में जो है वो डाल दिया। अरे भाई वैक्सीनेशन आ चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, 2-2 बार 3-3 बार लोगों ने 4-4 बार लगवा लिया है, लगवा लो, इसलिए तो बनाई है वैक्सीन, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है इनको, उन्होंने पता नहीं कोई रट पकड़ लिए, नो कोविड की, जीरो टॉलरेंस फॉर कोविड है ना वो इन्होंने पकड़ लिए, जिद उसके पीछे पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, बहुत ही अजीब बात है मतलब ये। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे तो कुछ खास ऐसा नहीं है, सेम न्यूज ही है। ठीक है, जनसत्ता के अंदर भी फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं सब्जी और दालों की कीमतें कम होने से महंगाई में मामूली से राहत है जो कि देखने को मिली है ना, जून में 7% से भी ऊपर है जो कि आपकी खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन है जो कि पहुंच गया था। इसके अलावा हमारे आतंकवादियों के एक हमले के अंदर हमारे पुलिस अधिकारी जो है वो शहीद हो गए, श्रीनगर के अंदर ये घटना है जो कि हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट काफी नाराज हो गया क्योंकि जब उन्होंने पीएम केयर फंड के बारे में पूछा तो सरकार ने एक पेज का जो है वो आंसर है जो कि दे दिया, केंद्र के एक पन्ने के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट जो है काफी नाराज हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो अभी रिसेंटली है ना एम्बलम जो बनाया पार्लियामेंट के ऊपर उसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, हालांकि ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्सी वाले कुछ था उसके अंदर खास है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नासा की नई दूरबीन की तस्वीरों में दिखी तारे की मृत्यु, तो जो तारा है वो कैसे एंड हुआ है, लाइफ साइकिल कैसे एंड हुई है
और कैसे नई शुरुआत हुई है वो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। ठीक है, ये आपके जनसत्ता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य है जो कि बन चुका है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी उसको इम्प्लीमेंट किया है। मतलब 2 साल पहले आई थी उसको इम्प्लीमेंट, तो 2 महीने बाद ही हो जाना चाहिए था वैसे, लेकिन अब जो है उत्तराखंड ने इसको फाइनली जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये जानकारी है जो कि दी है ना। उन्होंने जैसे कि एक करियर कार्ड है वो बनाया है, कौशल पुस्तक कार्ड है वो बनाया है कि कार्ड की मदद से आप अपनी किताबें ले सकते हो। आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है थोड़े से रेनोवेट करने के लिए बोला है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जब अभी 2020 के अंदर आई थी तो काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर करे गए थे। चेंजेस बहुत ही अच्छे हैं अगर ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो, वरना क्या होगा वो चेंजेस जो है वो किताबों में बहुत अच्छे लगेंगे, ग्राउंड पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो फिर वो मजे वाली बात नहीं है। चलिए तो देखो क्या क्या चेंजेस हुए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही जिन बच्चों को पता नहीं है कि क्या क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए। पहले तो था 10+2, है ना, 10+2 बोलते थे ना कि आपने 10+2 करी क्या, क्यों बोलते थे ऐसे, क्योंकि वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोलते थे। अभी हमने क्या चेंज कर दिया है उसको, 5+3+3+4 कर दिया है, समझ गए। 5+3+3+4 का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका 5 साल की फाउंडेशनल एजुकेशन होगी, फिर 3 साल की प्रिपरेटरी होगी, फिर 3 साल की मिडिल होगी और 4 साल की आपकी सेकेंडरी स्कूलिंग होगी। सीनियर सेकेंडरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेकेंडरी स्कूलिंग 4 साल, 5+3+3+4। अब इसके अंदर आप क्या क्या सीखोगे, शुरुआत के 5 साल के अंदर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करोगे, फिर उसके 3 साल बाद में आप डिस्कवरी करना, प्ले के थ्रू आप लर्निंग करना, है ना। फिर आपके वापस जो 3 वाला साल होंगे उसके अंदर आप साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से सीखोगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो अभी देश के टीचरों को ही पता नहीं है कि एक्चुअली में होती क्या। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है जब आप कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखते हो, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी पढ़ाया, तो अभी कैसे पढ़ाते हैं ह्यूमन बॉडी, डायग्राम आ जाएगा कहीं पर बोर्ड पे या फिर कोई ब्लैक बोर्ड पे कहीं पर भी, या फिर और कोई किताब ले लेंगी मैम, और मैम क्लास में क्या करती है, बोलती जाती है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, बस बात खत्म। बच्चे को इंटरेस्ट आता नहीं है क्योंकि बच्चे को मतलब नहीं है, समझ रहे हो, बोर्ड के ऊपर ड्राइंग है उससे बच्चा कोरिलेट नहीं कर पाता। तो ये पुराना तरीका था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होगा कि आपको पहले आपको क्या होगा कि एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस तरीके का टॉपिक पढ़ाना है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाना है, तो मैं 2 बच्चों को बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा कि चलो ठीक है आप एक बार, ठीक है ये आपकी बॉडी है तो एक बार दीवार पे खड़े हो, मैं आपके बॉडी का आउटलाइन का मैप है जो कि बनाता हूं, है ना। तो एक बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे का बॉडी का आउटलाइन का मैप बनाया, उसके बाद बच्चे को हटा दिया, तो एक बच्चे के रियल यहाँ पे आउटलाइन का मैप आ गया। फिर मैंने क्या किया, 5 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया कि आप इसमें से कल पता करके लाना कि कहाँ पर लीवर है, कहाँ पर किडनी है, है ना, और आप उसकी फोटो बना के लाना, कल हम उसको क्या करेंगे, उस जो आप बना के लेके आओगे ना उसका शेप, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो बच्चा खुद क्या करेगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा, घर जाएगा, रिसर्च करेगा, पढ़ेगा, फिर उसका डायग्राम कोई प्रॉपर 3D के अंदर बना के लेके आएगा, चाहे फिर वो कोई क्लोज से बना हुआ हो, चाहे पेपर से बना हुआ हो, कैसा भी बना हुआ हो, फिर अगले दिन आप आके लगाएंगे वो बच्चे, तो खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि कहाँ पर बॉडी पार्ट है, है ना, खुद पढ़ के आएंगे, रिसर्च करके आएंगे। तो इसी को बोला जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जब आप एक्सपीरियंस करते हो और सीखते हो, समझ गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के टीचर्स को सिखाने वाला ही कोई नहीं है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे होती है, तो ना तो वो बेचारे सीख पाएंगे, ना स्कूल वाले सिखाने को इंटरेस्ट है, अब वो खुद नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे, है ना। अगर ये होगा तो फिर बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी हमारी स्कूलिंग, ये स्कूलिंग कुछ इसी प्रकार की हो जाएगी जो कि आपको यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलती है। तो उसके बाद में क्या होगा, आपके क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कैसे सोचना है समझना है, बच्चा अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है वो ले सकता है, ओके, ये सारी चीजें हैं जो कि नए एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर बताई गई है। पहले तो क्या था, 10+2 था, है ना, इसके अंदर तो कोई ज्यादा कुछ खास था नहीं। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फाउंडेशनल, प्रिपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज डिवाइड करी गई। मल्टी स्ट्रीम है, कोई भी बच्चा साइंस के साथ में, पहले क्या होता था, साइंस मैथ्स लेगा, कॉमर्स अलग है और आर्ट्स अलग है, अभी ऐसा नहीं है, आप साइंस मैथ्स के साथ में कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, है ना। बोर्ड जो एग्जाम लेगा वो कोर कॉम्पिटेंस के लेगा, समझ गए मेरी बात, और ट्वाइस ए ईयर जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अलग अलग भी जो है वो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। मल्टीलिंगुअल होगा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, मतलब लोकल लैंग्वेज को भी प्रीफर किया जाएगा 8वीं क्लास तक। इसके अलावा बैगलेस डेज होंगे, स्कूल के जो स्टूडेंट है वो 10 दिन 1 साल के अंदर विदाउट बैग है जो कि आएंगे, मतलब स्कूल के अंदर भी उनको एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप वाला फील आना चाहिए कि स्कूल के अंदर विदाउट बैग जा रहे हैं और स्कूल के अंदर सीख रहे हैं, समझ गए। चलिए और
इसके अलावा फॉर कॉलेजेस के अंदर क्या होगा, एनटीए जो है एक कॉमन कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा साल में दो बार, जिसको अभी सीयूईटी नाम दिया गया है, साल में अभी एक बार हो रहा है, बाद में दो बार होगा। फोर ईयर का बैचलर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। अगर आप चार साल का बैचलर प्रोग्राम करते हो तो पहले साल में अगर आपने को पसंद, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पहले साल में पसंद ही नहीं आया, पहले तो क्या था कि अब तो करनी ही पड़ेगी, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो यार, वरना घर वाले छोड़ेंगे नहीं, पैसे लग गए, सब कुछ लग गया, चार साल है ना। अगर मैं एक साल बाद छोड़ता हूँ इंजीनियरिंग या दो साल बाद छोड़ता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे चार साल जो है वो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही हुआ एक्चुअली, मैं अगर मुझे एक साल बाद कोई ऑप्शन देता तो शायद मैं छोड़ चुका होता इंजीनियरिंग, है ना, बिल्कुल ही वो था, एकदम ही कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था ना, करना ही पड़ेगा, मतलब दो साल गुजर गए तो वरना आप वापस से बारहवीं क्लास पास हो जाओगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या होगा, एक साल में आपको कुछ है ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दो साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीन साल में आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम से, मतलब तीन साल में आपको डिप्लोमा, चार साल में आपको डिग्री है जो कि इस तरीके से मिल जाएगी। तो आप जिस जिस भी स्टेज पर निकलोगे ना तो कुछ कुछ आपके हाथ में रहेगा। ओके, कोई अफिलिएशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो 15 साल होंगे कॉलेजेस के वो उनके ऑटोनॉमी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फी कैप जो है वो प्रपोज किया गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को एक फी कैप लगानी पड़ेगी, कितने भी पैसे नहीं ले सकते वो, और टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को है ना इंडिया के अंदर इन्वाइट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा ताकि वो इंडिया में आके ओपन करें। चलिए, ये था दोस्तों सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, 2020 के बारे में। आने वाले दिनों के अंदर, जैसे कि अभी दो तीन साल के अंदर, जो भी आपके जो फाउंडेशनल जो क्लासेस है ना, छोटी मोटी क्लास, उसके अंदर बंद हो जाएंगे, आपके नंबर वंबर आते हैं ना जो, ये 10 में से 8 नंबर आना, 10 में से 6 नंबर आना, ये सब बंद हो जाएंगे, एक दो साल के अंदर बंद हो जाएंगे। फाउंडेशनल के अंदर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वैसे इंप्लीमेंट हो चुकी है, ये सब बंद हो जाएंगे, रैंक बंद हो जाएगी, ये सब रैंक आती है ना 1, 2, 3, ये सब बंद हो जाएगी, ये सब खत्म है। इसके अलावा आपका कोर्स भी खत्म है, कोर्स आता है ना कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर, ये सब चैप्टर वैप्टर सब खत्म है, ठीक है। क्या होगा कि आपको कुछ चीजें बताई जाएगी कि बच्चे की लर्निंग के ऊपर फोकस होगा, कि आपका सिलेबस कैसा होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। अब आप अपने हिसाब से डिजाइन करो, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करवाओ, अपने हिसाब से बताओ कि लास्ट में एंड ऑफ द ईयर बच्चे ने जो है वो क्या क्या सीखा है ना, ये सारी चीजें होगी। तो ये जब आपके जो ये होते हैं ना पूरा सिलेबस आता है जो लंबा चौड़ा सा जो है रटने वाला, ये सब बंद हो चुका है, ये सब एक्चुअली में अभी से बंद हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों टाइम मैगजीन को लेकर। टाइम पत्रिका ने 2022 में विश्व के ऐसे शहरों के बारे में बताया जो बहुत ही खूबसूरत शहर है, सर्वश्रेष्ठ स्थानों के बारे में बात करी है। तो इसके अंदर हमारे दो नाम है दोस्तों टॉप 50 के अंदर जो है, दुनिया के टॉप 50 ऐसी जगह के अंदर दो सिटीज है, एक तो अहमदाबाद है और एक आपका केरला है, ठीक है गाइस। तो सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के अहमदाबाद और केरल शहरों को शामिल किया गया, घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थल के बारे में बात करी गई है, ठीक है गाइस। तो अहमदाबाद जो है वो आपको मालूम है यूनेस्को सिटी है, जयपुर भी यूनेस्को सिटी है इंडिया के अंदर, और प्राचीन काल और आधुनिक नवाचार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अहमदाबाद, सांस्कृतिक पर्यटन का भी केंद्र है ना, साबरमती के पास में गांधी आश्रम भी है, ओके, 9 दिन का यहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल भी होता है। उसी प्रकार से केरला भी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बैक वाटर्स, बीचेस, टेम्पल, फोर्ट है ना, गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं केरला को, तो नाम ही बहुत खतरनाक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसके अलावा और भी दुनिया के बहुत कई सारे शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है मोहम्मद फराह के बारे में। कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि मोहम्मद फराह ने किया। मोहम्मद फराह मालूम है आपको, ब्रिटेन के टॉप जो है वो रेसर है जो कि माने जाते हैं 4 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 4 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट। उन्होंने दोस्तों बताया कि उनका नाम मोहम्मद फराह जो है वो नहीं है, और ये इलीगली जो है वो कंट्री के अंदर है जो कि लाए गए थे, है ना। इन्होंने बोला कि मेरा जन्म जो है वो सोमालिया में हुआ था, सोमाली लैंड में हुआ था, हुसैन कहीन करके इनका नाम था, वहां पे गृह युद्ध चल रहा था, उसके अंदर इनके फादर की डेथ हो गई, मदर से ये अलग हो गए, कोई ना कोई एक लेडी है जो कि इनको उसने सपोर्ट किया, छोटे बच्चे थे 9 साल के, इनको लगा कि किसी रिलेटिव के जा रहे होंगे, ले गए, उसके बाद में गलत तरीके से यूके में लेके आए, उसके बाद में जिस परिवार में रह रहे थे वो परिवार जो है ना वो इनको अपना परिवार मानता नहीं था, तो बचपन भी बड़ा मुश्किल से गुजरा, फिर फाइनली इनको मिला एक अच्छा टीचर, और उस टीचर के मोटिवेशन की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से जो है आज ये दुनिया के चैंपियन है जो कि माने जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि अपने जो अध्यापक थे एलन है ना, उन्होंने जो है वो सच बताया, और अपने स्कूलिंग के अंदर जो इनको टीचर्स मिले उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि इतने बड़े डेजिग्नेटेड, मतलब इतने बड़े एक रेसर के द्वारा किया गया, मतलब दुनिया में अगर आप जो लोग अगर बोल्ट को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मोहम्मद फराह को नहीं जानते होंगे, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग, 4 बार के ओलंपिक चैंपियन है जो कि रह चुके हैं, 5000 मीटर
जो है ये भागा करते थे, है ना। तो ब्रिटेन में जो है वो किसी और नाम के साथ में गैर कानूनी तरीके से आए थे। तो एथलेटिक्स के अंदर ये बहुत बड़ी न्यूज थी, कल सारी जगह पे इसी के बारे में काफी बताया जा रहा था। चलिए ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं G20 मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो है ना कुछ खास निकला नहीं एक्चुअली में। उसके अंदर जो ज्यादातर डिस्कशन हुआ वो हुआ रशिया को लेकर, चाइना को लेकर, ठीक है, और साथ में कोविड को लेकर। मेजरली जो यहाँ पे बातचीत हुई है वो किसको लेकर, रशिया को लेकर ही हुआ है। इंडिया और चाइना ने भी, दोनों ने मिनिस्टर्स ने मीटिंग करी, जहां पे लद्दाख के एलएसी इशू के बारे में, डिसएंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करी इंडिया और चाइना ने। वहीं दोस्तों G20 के अंदर रशिया ने US को अक्यूज किया कि वो यूरोप को फोर्स कर रहा है और है ना चीप एनर्जी सोर्सेज से उनको दूर कर रहा है। वहीं US ने भी रशिया को अक्यूज किया और बोला कि आप दुनिया के अंदर अशांति फैला रहे हो, आप ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हो, है ना। तो दोनों जो है देश एक दूसरे के ऊपर आरोप है जो कि यहाँ पे लगाए गए। तो कुछ खास आउटकम जो है इसका निकला नहीं एक्चुअली के अंदर। 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है जो कि इसके मेंबर है, IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको बनाया गया। नाइजीरिया 20वां मेंबर होता लेकिन लास्ट मिनट पे ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम नाइजीरिया में बहुत ज्यादा है जो कि चल रहे थे, है ना। G20 के अंदर क्या है कि डेवलप कंट्रीज भी है और डेवलपिंग भी है, इस वजह से ये ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि रखता है। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन वाले कंट्रीज जो है, मतलब एंटायर पॉपुलेशन जो है वो G20 के अंदर आ जाती है। कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, जहां पर मीटिंग होती है उसी हिसाब से वहां पर प्रेसिडेंसी है जो कि डिसाइड होती है, ठीक है गाइस। 5 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड है जो कि कर रखा है। G7 ये कंट्रीज है, फिर G8 के अंदर रशिया आ जाता है और G20 के अंदर ये सारे कंट्रीज है जो कि आ जाते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया भी है। हमारे आसपास के अंदर सिर्फ इंडिया और चाइना ही है, बाकी कोई भी कंट्री G20 में नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। चलिए तो हम लोग जो इस G20 को यूज करते हैं वो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इनफैक्ट सारे कंट्रीज इसीलिए काम में लेते हैं। इस बार हम भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ ज्यादा स्टेक होल्डिंग हमारे यहाँ पे नहीं रह पाई। इसके अलावा न्यू इंडिया जो एक ग्लोबल प्रोग्राम हमने चलाया है वो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है जो कि आने वाले दिनों में प्ले करेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेजरली रशिया और UK के जो प्रेसिडेंट है उनको भी इन्वाइट किया गया था, है ना। US ने पूरी कोशिश करी कि रशिया को इन्वाइट नहीं किया जाए, लेकिन चाइना और बाकी कंट्री के सपोर्ट की वजह से उसने भी ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर G20 को स्ट्रांगली प्ले करना है दुनिया में रोल, तो ये बहुत जरूरी है कि वो मेजरली ट्रेड के ऊपर फोकस करे, डेवलपमेंट और इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, तब जाके G20 का रियल यूटिलिटी है जो कि हो पाएगा। जो डायलॉग और डिप्लोमेसी जो है ना वो होने बहुत जरूरी है, है ना। 2023 का सम्मिट भी हमारे यहाँ पे भी होने वाला है और हम लोग इसको श्रीनगर के अंदर करवाने की बातचीत है जो कि कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस, ये हमने पढ़ लिया था वैसे तो स्वामी रामानुजनाचार्य जी के बारे में, स्टैच्यू ऑफ पीस है जो कि बनाया गया, है ना। तो श्रीनगर के अंदर बनाया गया, अमित शाह ने जो है दोस्तों इनॉग्रेट किया है। ओके, रामानुजाचार्य जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1017 के अंदर कहां पे, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। बहुत ही जबरदस्त वैदिक फिलोसोफर माने जाते हैं, सोशल रिफॉर्मर है जो कि माने जाते हैं, ठीक है गाइस। पूरे देश में इन्होंने ट्रैवल किया, इक्वालिटी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में बात करी, है ना। हर आदमी तक वैदिक लिटरेचर को पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल है जो कि माना जाता है, ठीक है गाइस। और एक गॉड के ऊपर, है ना, मोनोटिज्म के ऊपर इन्होंने भी फोकस किया जैसे कि बाकी लोगों ने किया था, और ठीक है, और वर्ल्ड को जो है एक नई राह देने के अंदर इनका बहुत बड़ा काम है जो कि रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इनके नाम, इनका जो अभी स्टैच्यू बनाया गया है ना, उसको स्टैच्यू ऑफ पीस नाम है जो कि दिया गया, क्योंकि अभी पीस और प्रोग्रेस की दोनों की बहुत जरूरत है जो कि कश्मीर को है, तो इसीलिए इसको किया गया है। चलिए ठीक है गाइस, रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी के अंदर कश्मीर को विजिट किया था, है ना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यूस्क्रिप्ट था, है ना, बौद्धयानावृत्ति, उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए जो है ये यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, ये हो गया टॉपिक, आगे बात करते हैं। RBI ने दोस्तों ग्लोबल ट्रेड जो सेटलमेंट है वो रुपी के अंदर अनाउंस है जो कि कर दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। देखो एक्चुअली के अंदर क्या है कि रशिया है ना, उसके साथ में ट्रेड करना है तो आपको लोकल करेंसी में करना पड़ेगा, डॉलर को साइडलाइन करना पड़ेगा, है ना। ये बात जो है वो USA ने, यूरोप ने कई बार इंडिया को बोली भी कि आप लोग लोकल करेंसी में ट्रेड मत करना, लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर ए फ्री कंट्री, तो हमें जहां पे बेनिफिट होगा हम वहीं पे ही ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली। तो हमने RBI ने क्या कर दिया है कि रशिया के साथ में बिजनेस करने के लिए अलाउ कर दिया है कि हम लोग
डोमेस्टिक ट्रेडर क्या करेंगे, इंडियन रूपी के अंदर सेटलमेंट है जो कि करेंगे, है ना। बैंक को आरबीआई का अप्रूवल है जो कि चाहिए होगा इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। हमें फायदा क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, करेंसी की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी दूर होगी, ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग रशिया के साथ में भी इसके थ्रू कर सकते हैं। 21-22 के अंदर जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रेड हुआ है, वो $13 बिलियन के आसपास का जो है वो हुआ है। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। अभी क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, FEMA के द्वारा क्या होता है कि आप फॉरेन करेंसी के अंदर एक्सचेंज करते हो, है ना। अगर हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे तो भी डॉलर में पैसा देंगे, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो भी हम लोग जो है दूसरी करेंसी है जो कि लेते हैं, ऐसा चलता है, ताकि हमारे पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी समस्या नहीं हो। कल को मान लो अगर हमने US को ट्रेड किया और हमने रुपए ले लिया उससे, और मान लो ऑस्ट्रेलिया जो है उसको डॉलर ही चाहिए, तो रुपए को हम लोग कहाँ पर, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, डॉलर तो हर कोई एक्सेप्ट करता है। ओके, तो इसलिए हम लोग जो है दुनिया के अंदर ग्लोबल ट्रेड के लिए जो करेंसी जो है वो डॉलर मानी जाती है, स्पेशली US डॉलर मानी जाती है। तो कुल मिला के आज के टाइम पे इकोनॉमी की हालत खराब है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो बचे हमारे पास, जो रिजर्व के अंदर हमारे पास जो $550 बिलियन के आसपास रखा हुआ ना, उसके अंदर फॉरेन करेंसी हमारे पास में रहनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि रुपए के अंदर अभी तो काम कर लेते हैं, कभी जब डॉलर की जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे उसको, समझ गए मेरी बात, ठीक है, ताकि ट्रेड डेफिसिट को भी रिड्यूस किया जा सके और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सके। तो रशियन बैंक जो है वो एक वस्त्रो अकाउंट है जो कि इंडिया में ओपन करेगा, तो जो भी पैसा होगा रुपए का वो इसी में से आएगा और इसी में से जाएगा। इंडियन इंपोर्टर जो है, जो इंपोर्ट करवाते हैं, वो रुपए में पैसा देंगे और इस अकाउंट के अंदर पैसा है जो कि चले जाएगा, समझ गए। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे ओके, वो भी उसी अकाउंट में से पैसा जाएगा और उसी में से डिडक्ट हो जाएगा। कुल मिला के मैंने क्या किया, मैंने ₹1000 जो है एक अकाउंट में रख दिए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, समझ गए, तो आप मुझे देंगे मान लो ₹200, तो इसमें डाल दो। अगर मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं और मुझे मान लो ₹300 देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो भी इसी में से एडजस्ट कर लूंगा, ये दोनों इसी में से एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होता रहेगा, INR के अंदर ट्रेड है जो कि होता रहेगा। इस अकाउंट को बोला जाता है वस्त्रो अकाउंट है जो कि बोला जाता है, समझ गए मेरी बात। तो ये यहां पे चलता रहेगा, रूबल और इंडियन रूपी के अंदर करेंसी में एक्सचेंज है जो कि होता रहेगा। आगे बात करते हैं ओजोरस हाई। ओजोरस हाई क्या है दोस्तों, है ना, ओजोरस आपने सुना होगा ना, नॉर्दर्न लाइट्स होती है, सदर्न लाइट्स होती है, उसी तरीके से ऑजोरा लाइट्स भी उसी तरीके से होती है और बहुत ही हाई लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन है सर। अरे हाँ, वही नियर बाय यार, $600 बिलियन था, फिर उसके बाद में कम हो गया था, अभी $20-30 बिलियन, तो 550-600 के बीच में जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, UPSC की जो क्लासेस है वो जल्दी शुरू होगी, जल्दी मतलब 7-10 दिन का टाइम दे दो, उसके अंदर फिर UPSC की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो एक्सट्रीमली लार्ज ऑजोरस हाई, है ना, ये एक फिनोमिना है जो कि रिसेंटली देखने को मिला, एक वेदर फिनोमिना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अबनॉर्मल ड्राई कंडीशन है जो कि देखने को मिलती है। जब ये कंडीशन होती है ना ऑजोरस हाई की, तो क्या होता है कि बारिश जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम होती जाती है। ओके, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि रहती है, बहुत ही ड्राई कंडीशन है जो कि वेस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर देखने को मिलती है, स्पेशली जो आपके इबेलियन पैलेस सुना है ना, जहां पे स्पेन है, पोर्चुगल है, उस वाले एरिया में स्पेशली ये प्रॉब्लम है जो कि यहाँ वाले एरिया में देखने को मिलती है, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये ऑजोरस हाई क्या, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम है जो कि इस वाले एरिया में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा विंड्स आती है, एंटी साइक्लोनिक जो विंड्स है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो आपका पूरा आसपास का जो एरिया ना काफी ड्राई हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आपके वेदर पैटर्न जो है वो कम चेंज होने लगता है, जो बारिश है वो 10-20% है जो कि ड्रॉप हो चुकी है, उससे एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि वन बाय वन होती है जब इस तरीके का ऑजोरस हाई फिनोमिना देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछेंगे कहां पर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके यूरोपियन कंट्रीज में के आसपास, अटलांटिक के आसपास जो है वहां पर देखने को मिलता है। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम ना सोवीरो नाम की एक किताब है जो कि लॉन्च करी है मीनाक्षी लेखी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर और कल्चर की। तो उन्होंने जो गुजराती के अंदर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो फ्रीडम फाइटर कर रहा है उसको लेकर एक किताब है जो कि लिखी है, ठीक है, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, जो अपने सुरवीर होते ना उनको लेकर। फर्स्ट एवर एग्जीबिशन और सेमिनार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस है जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है, पहली बार करवाया गया है। आगे बात करते हैं, पल्लवी सिंह ने
मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल है जो कि यहाँ पे साउथ कोरिया में जीत लिया, कानपुर से बिलोंग करती है। ओके गाइज 110 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट है जो कि किया था। नेक्स्ट है आकाश एयर को एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है जो कि DCGA के द्वारा मिल गया है ना, राकेश झुंझुनवाला की ये एयरलाइंस है आकाशा एयर, तो उसको लाइसेंस है जो कि मिल गया है। और फॉर्मर अंगोला के जो प्रेसिडेंट थे जोज, अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हो चुकी है 79 की एज में। वोकैबुलरीज की बात करें, होवल का मतलब होता है एक छोटा सा घर, छोटी सी झोपड़ी। एंड अर्डेंट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं उसको अर्डेंट फॉलोवर कहते हैं। परलॉस का मतलब है जो बहुत ही डेंजरस होता है। वेरासिटी का मतलब जब आप सच बोलते हो किसी भी चीज़ को लेकर। और स्क्रम्बल का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा हसल और टसल के अंदर कोई काम है जो कि करते हो। ठीक है गाइस, इसके अलावा बूस्टर कोर्स जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 1999 का है दोस्तों, शुरुआत के 5 दिन के अंदर 50% डिस्काउंट है। और 999 के अंदर आप अपना रेलवे का बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर कंप्लीट क्रैश कोर्स में चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 100 टेस्ट सीरीज मिलेगी सॉल्यूशन के साथ में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और साथ में नेक्स्ट मंथ के अंदर जो आपको रियल जो आपका एग्जाम होगा है ना, उसके ऊपर बेस्ड आपको जो है वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग आपके लिए ये रेलवे बूस्टर कोर्स है और आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प है जो कि आपको करेगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल बनाया गया है, सिर्फ 999 के अंदर आपको मिल जाएगा, वो भी GST वैसे सब इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है जो कि आपके चार कंट्रीज को लेकर, कौन कौन से G20 के चार कंट्रीज है ये आपको बताना है। ठीक है, 15 तारीख से इसका लॉन्च हो रहा है तो 15 से पहले पहले ज्वाइन कर लेना इसको ताकि आपको बेनिफिट मिले। नेक्स्ट बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये चारों ये आपको मैच करना है इसके अंदर है ना, और भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 15 तारीख को 15 जुलाई को सुबह 8 बजे जो है वो इसके बारे में कोर्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इस कोर्स को बनाया जा रहा है ना, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारी जानकारी जो है इसके अंदर मिल जाएगी। चलिए, मेडिटेरियन सी जो है वो कौन से कंट्री के बॉर्डर से टच होती है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, कौन सा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो कि देखने को मिलता है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।